हेलो, वेलकम टू माय एक्सेल। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु कमलेश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में कैसे पीवट चार्ट का यूज कर सकते हैं या आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए मैंने एक डेटा शीट ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैं बताऊँगा कि आप कैसे एक्सेल में पीवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट का जो यूज होता है नॉर्मली आपने देखा होगी कि जो पीवट टेबल है उसमें क्या होता है कि आपने एक बड़ा सा बल्क डेटा है, उसका आपने एक समरी बना के एक रिपोर्ट आपने बना ली है। लेकिन पीवट चार्ट क्या है, थोड़ा इससे डिफरेंट है। वो आपको एक चार्ट के थ्रू ये बताता है कि आपका इस मंथ कितना सेल हुआ है, उसको एक चार्ट वाइज उसको दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डेटा है जिसमें कुछ क्लाइंट का डेटा है डेट वाइज कि उन्होंने हमसे कितना सामान जो है परचेज किया है, और ये उनकी सिटी है कि जिस सिटी में क्लाइंट ने हमसे जो माल परचेज किया है। ठीक है, ये उनकी क्वांटिटी है, ये उनकी टोटल वैल्यू है। चलिए देखते हैं कैसे हम पीवट चार्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सेम ऐसे ही है जैसे आप पीवट टेबल में करते हैं। इसको आप पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको आना है इंसर्ट वाले इसमें। उसमें आने के बाद पीवट टेबल के नीचे एक है पीवट चार्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेम वैसे ही सेम ऑप्शन है जो ऑलरेडी ये पीवट टेबल में जब आप बनाते हैं पूछता है, तो हमें क्या है इसको न्यू वर्कशीट में करना है। ठीक है, क्योंकि हमें अलग शीट में चार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि पीवट टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके बने ही ये चार्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, सपोज करो हम ये शिपिंग डेट ले लेते हैं। ओके, शिपिंग डेट लेने के बाद हमें मंथ वाइज चाहिए, तो हम इसको क्या राइट क्लिक करेंगे और उसको ग्रुप में करेंगे। ठीक है, मंथ में इसको हमें करना है क्योंकि हमें मंथ वाइज इसका रिपोर्ट चाहिए। मंथ में जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो है पूरा इसने मंथ वाइज आपको डेटा बना के दे दिया, जैन से लेके दिसंबर तक। ओके, ये हो गया मंथ वाइज। नेक्स्ट हमें है सिटी, हवाई हमें चाहिए किस सिटी में कितना हुआ, तो उसको ड्रैग करेंगे आप रोल में बनाएंगे, यहाँ पर उसको आप ले आएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो सेम चीज़, ये एक जो बना हुआ है ये पीवट चार्ट का एरिया है जिसमें इसमें ऑलरेडी शिप डेट का आ गया इसमें और सिटी का भी इसने दिखा दिया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये अब आप देखिए जैसे आपने ये जो टोटल अमाउंट किया तो आपने देखा कि ये बाय डिफॉल्ट इसमें चार्ट में सब कुछ एवरीथिंग आ गया है। तो एक तरफ आपका एक पीवट टेबल बन चुका है और एक तरफ है आपका पीवट चार्ट। ठीक है, चलिए अभी हम पीवट टेबल की बात नहीं करेंगे क्योंकि पीवट टेबल तो आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आप जब तक पीवट टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट ही पीवट टेबल जो है आपका पीवट चार्ट के थ्रू ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले हमने पीवट चार्ट के थ्रू ही हमने जो है पीवट टेबल यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये हम अब हमें काम करना है चार्ट पर। ओके, तो चार्ट में देखिए यहाँ बन तो गया है चार्ट, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो है थोड़ा सही लग रहा है इसका फॉर्मेट, तो इसको आप यहाँ से चार्ट एरिया को जितना भी आप चाहें इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, पूरा इसको आप जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया है आपका चार्ट। ओके, तो ये थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, इसने क्या है आपको दिखा दिया है कि इसमें आपकी सेल यहाँ डाउन थी यहाँ अप थी एर्नाकुलम में, तो इसको आप क्या है राइट क्लिक करके यहाँ पर ओके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज चार्ट टाइप पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर कई तरह के चार्ट के ऑप्शन हैं। अगर आपको चाहिए कि कॉलम वाइज करना है, ऑलरेडी कॉलम में है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस शेप में करना है तो इसको ओके भी क्लिक कीजिए आप। ठीक है, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया है। तो चार्ट आप कोई भी चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, लाइन के वाला भी है इसमें,
लाइन में भी अगर आप चाहिए तो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, इसने इस तरह दिखा दिया। ओके, इसमें आप बहुत तरीके हैं, पाई के हिसाब से भी इसको ले सकते हैं आप। पाई में आपको चाहिए तो ये इस तरह आएगा कुछ। ठीक है, ये इसने इस तरह दिखा दिया आपको। ठीक है, जैन इस तरह दिखा दिया इसने, जो भी आपको इनकी जिस तरह की चार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, बार वाइज भी है, ये जो पाई के नीचे वाला जो है इसको भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इस तरह बना दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज मतलब आप किसी भी तरह का चार्ट अपने हिसाब से जो भी आपको कन्वीनियंट होता है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, पर मुझे जो लगता है अच्छा, चलिए अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सिंपल सा कोई आपको करके दिखाता हूँ ये बात। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट बन चुका है, आप चाहें तो यहाँ फॉर्म यहाँ भी आके, ठीक है, ये मटके इसको आप राइट क्लिक कीजिए दोबारा। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं आपके क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें अपने एक चीज, जैसे इसको अगर आपको कलर भी करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं इसको राइट क्लिक करके। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट भी करना है तो अगर यहाँ से आप फॉर्मेट भी यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, नंबर करना है, फिल करना है, फिल में भी आप कर सकते हैं, इसमें कई तरह का कलर ले सकते हैं। जैसे आपको अभी यहाँ राइट ना, अभी हमारे पास ये कलर है तो इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ चेंज किया तो ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट यहाँ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको गार्डन फील्ड वाला चाहिए तो गार्डन फील्ड के अंदर क्या है, कई तरह के कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं जैसे आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे फीचर होते हैं इसमें। ठीक है, अब लाइनर के लिए कह रहा है, लाइनर अगर आपको रेडियल चाहिए तो रेडियल रखिए, जो भी आपका वो है रिक्वायरमेंट उस ले सकते हैं, गार्डन लाइन है इसमें। ठीक है, शेडो भी है, आपको किस तरह का शेडो चाहिए, यहाँ पर शेडो यहाँ डिफरेंट शेड के मिल जाएंगे आपको, कलर आप ले लीजिए कोई भी। ठीक है, तो ये है, आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा आपका यहाँ बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ है, इसने बाय डिफॉल्ट अपना वो दिखा दिया कि ओवरऑल इस हिसाब से इसने एक पिवट चार्ट को देखा है, लेकिन हमें क्या है, हमें ये डेटा चाहिए कि मंथ वाइज हमें जानना है कि टोटल वैल्यू में कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट होने के बाद अब हमें चाहिए अपना डेटा, तो यहाँ पर देखिए आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके, तो हमें इसमें अपना डेटा जो है लेबल ऐड करना है। वो कैसे होगा वो देखना मुझे एक मिनट के, एड लेबल, जब तक हमारा वो डेटा हमें नहीं मिलेगा तो ये बात बन नहीं पाएगी। ओके, देखिए पीवट चार्ट को जो है अपने तरीके से जैसे भी आपको इसमें रहता है वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ये नहीं है कि आपको एक जैसे मैं जिस वे में मैं कर रहा हूँ उसको ऐसे ही करना है, वो आपके अंदर है कि आप इसको किस से कर सकते हैं। ठीक है, ये है, इसमें देखिए जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 3D का भी ऑप्शन है, फॉर्मेट वॉल्स का भी काम है, अगर आपको ये चीज़ें भी चेंज करनी है, बॉर्डर का भी अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चार्ट डिजाइन आप यहाँ भी आके यहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इसमें चाहिए, ठीक है, आपको इस तरह चाहिए, कोई इस तरह चाहिए,
जैसी भी आपको जो चीज़ लगती, तो कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। वन बाय वन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसा आ गया। ओके, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या है, मिसिंग क्या हो रही है इसमें एक चीज़। अगर मुझे इसका देखिए सेलेक्ट डेटा में अगर आप जब क्लिक करते हैं, तो इसने वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी को आपको हाईलाइट भी करना है, तो ये यहाँ से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगना है कि टोटल ये आपको आप लिख लीजिए इसका, मतलब इसको भी एडिट कर सकते हैं आप। मंथ वाइज टोटल सेल्स, ओके। तो ये यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, कई चीजें हैं इसके अंदर, इसको आप जैसे आपको जो है इसमें कन्वीनियंट लगता है वैसे इसको आप कर सकते हैं। देखिए मैंने जब इसमें क्लिक किया तो हो क्या रहा है कि वो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेजर गाइडलाइंस। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब आपको जितना इसको एट्रेक्टिव बनाना है वो एट्रेक्टिव आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक तो सेलेक्ट डेटा हो गया चेंज, यहाँ से आप जो है इसका कोई भी टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर आप जाके 3D का भी इसमें है ऑप्शन, अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी इसको कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। 3D फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि इसका मटेरियल चेंज करना है, आपको ट्रांसपेरेंट करना है, या आपको इसमें लगता है कि भाई मुझे इस शेप में चाहिए, तो इस शेप में भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें फीचर बहुत सारे हैं, जो भी आपको यूज करना है। कलर आप कोई भी यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको। देखिए मैंने ये किया तो बॉर्डर भी अच्छा हो गया इसका। ठीक है, कोई भी कलर आपको जो सही लगता है उस तरह से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से अगर आप बढ़ानी है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दीजिए इसकी। ठीक है, शैडो अगर आपको चाहिए तो शैडो को भी यहाँ पर आप कई तरह के कलर जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर है आपका, कोई भी आपको लेना, सॉलिड लाइन लेनी है तो लाइन से भी यहाँ से आप उसका चेंज करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट लाइन चाहिए आपको वो भी यहाँ से ले सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है फिल, फिल के अंदर क्या है कि इसमें आप जैसे आपको कोई फिल इन चाहिए तो आप यहाँ पर नो फिल करेंगे तो कोई कलर यहाँ हट जाएगा सारा। सॉलिड फिल करना है तो ऑलरेडी वो कलर भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कई चीज़ें हैं, आप जो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको कोई अगर पिक्चर ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप फाइल से भी, यहाँ से भी आप कोई भी पिक्चर में ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर वाले यहाँ पर जा सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से भी चेंज होती हो जाएगी। ठीक है, कलर आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें फीचर हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, तो ठीक है, चार्ट का तो बेसिकली इसमें बस यही है और कुछ है नहीं। बाकी इसमें कई तरह की आप चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको इसमें अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जो इसमें आप ले सकते हैं। सब उसको आपने ये लिया इसमें, कोई भी कलर, यानी कि जो भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि कलर आप कोई भी है इसमें, बहुत सारे हैं, किस तरह भी हैं। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी आपको इसमें है इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पिवट चार्ट के अंदर जो है ना इतने सारे फीचर हैं,
कि आप हर बार आपको नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये है क्या, ये जो चीज़ें हैं इसको हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा आपको विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चार्ट आपको लगता है कि भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से आप आ सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी वो चीज़ भी यहाँ चेंज होती जाएगी। ठीक है, हमें उस पर ओके किया मैंने, ठीक है, ये इस तरह आ गया। और जैसे आप यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर इसने और आपको दिखा दिया ऑप्शन कि आप इस ऑप्शन में भी इनको ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए इसमें ये जो आपको ये दिखा रहा है टॉप में, जो ये लाइन जो टॉप में जा रही है, इसका मतलब है कि इस महीने में सेल ज़्यादा हुई है, इस महीने में और ज़्यादा हुई है, और इसमें जो है कौन सा है, ये जयपुर वाला जो है इसमें और ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्लॉट एरिया, इसे हम एक तरह से प्लॉट एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी और इसमें आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सेम वही चीज़ पिछले उसमें आना है, तो ये फील्ड यहाँ से ओपन आ गई, आप यहाँ से और भी चेंजेस कर सकते हैं। आपको चाहिए कि भाई मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, मुझे ये चाहिए कि टोटल क्वांटिटी में सेल कितनी हुई है, तो यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से क्वांटिटी को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देना है। तो ये देखिए इसने काउंटिंग में यहाँ पर आपको बता दिया, वो पहले जो था हमारा वो था हमारा अमाउंट वाइज कि टोटल सेल कितना हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या कहते हैं कि पिवट चार्ट के अंदर आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, मुझे अगर देखना है कि भाई जैसे मंथ वाइज है, अब इसमें देखिए दो चीज़ बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर आपने देखा होगा कि शिपिंग डेट जो है ये हमारा मंथ है, ठीक है, मंथ मीन्स ये वाला सेक्शन, और सिटी है। यहाँ से आप कोई भी सिटी में क्लिक करेंगे, सपोज करो मैंने ये सिलेक्ट ऑल यहाँ से हटाया, मुझे चाहिए आगरा का डेटा, ठीक है, ओके किया आपने। ठीक है, तो इसने पूरा खाली आगरा का ही आपको बता दिया कि उसकी यहाँ पर ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक है, अगर आपको सबका देखना है तो फिर आप वही सिलेक्ट ऑल कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, तो फिर सेम चीज़ वही यहाँ पर होके आ गई है। ठीक है, मुझे थोड़ा ब्लैक कलर थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अलग लुक दे देता हूँ। ठीक है, इसको हम ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको आप लाइन वाइज ये भी ज़्यादा यूज होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें भी इसने क्या किया कि जिस मंथ में कम सेल हुई है उसमें कम दिखा दिया, जिसमें ज़्यादा हाइस्ट हुई उसमें हाइस्ट दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह इसने क्या है मंथ वाइज इस डेटा को अलग इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसमें कई देखिए आप कुछ भी करेंगे ना, तो ये अब देखिए इसमें क्या है, जैसे हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डेटा यहाँ पर है जैसे मार्च में है, तो इसको भी आप यहाँ इसके थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये हमारा है ऐड डेटा लेबल्स। ठीक है, तो ऐड डेटा लेबल में जब आपने क्लिक किया तो इसने जो टेबल यहाँ बनाया था, ठीक है, वो जो वैल्यू थी इनकी टोटल क्वान्टिटी की, वो इसने यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो पिवट चार्ट है इसका यूज एक्सेल में कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, कई तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं, कलर आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगता है इसमें। ठीक है, अच्छा है, इसको इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसमें ले सकते हैं, जो भी आपको यानी कि अपने हिसाब से सूटेबल है। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो ये ले लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये पिवट चार्ट पर बनाया वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक्सेल के और नए नए वीडियोस देखने को मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा आपके सामने आऊँगा एक नए एक्सेल के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।